ओके, तो आज हम अपने इस पार्ट टू के अंदर जो कि हमारा प्रोजेक्ट नंबर टू है, इसको आज हम डिज़ाइन करने वाले हैं। जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि हमने इस प्रोजेक्ट में करना क्या है। तो अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया तो आप इस डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक उठा सकते हैं और उसको देख सकते हैं पहले। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इसको डिज़ाइन करेंगे। तो वीडियो स्टूडियो पर चलते हैं और नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा C# और विंडोज़, और हमने विंडोज़ एप्लीकेशन डेवलप करनी है। तो यहाँ पे नाम दे देते हैं इसको, मैं नाम दे देता हूँ थर्मोमीटर प्रोग्राम। यहाँ पे एप्लीकेशन भी चेंज कर सकते हैं, मैं इस वक्त इसको डिफ़ॉल्ट लोकेशन दे रहा हूँ, तो मैं ओके कर देता हूँ। रियल स्टूडियो इस वक्त हमारा वर्क स्पेस जो है वो कर रहा है। ओके, तो हमारा वर्क स्पेस जो है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा फॉर्म आ चुका है। यहाँ से इसको मैं आपको एक दफ़ा चला के दिखा देता हूँ। ओके, तो फॉर्म हमारा आ चुका है, हमने आपको दिखा दिया कि फॉर्म हमारा हमारे सामने आ चुका है। याद रहे हमने अभी इस प्रोजेक्ट को सिर्फ क्रिएट किया है, इसमें हमने इसको कुछ भी कोड नहीं किया। तो बाय डिफ़ॉल्ट .NET फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए, यानी कि व्यूअल स्टूडियो को यूज़ करते हुए, जो फॉर्म आपको उसने दिया है उसने ऑटोमेटिकली बैकएंड पे इसका कोड लिख दिया है। किन किन चीज़ों का कोड आप इसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, इसका आपने कोड नहीं लिखा, इसका ऑटोमेटिकली व्यूअल स्टूडियो ने कोड लिखा है। आप इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, मिनिमाइज़ करने के साथ साथ आप इसको टास्क बार में भी देख सकते हैं और इसको क्रॉस भी कर सकते हैं। तो ये आपने कोड नहीं लिखा, ये व्यूअल स्टूडियो ने बेसिकली इसका ऑटोमेटिक कोड लिख दिया है। तो हम इसको इस फॉर्म को कहते हैं, हम चाहते हैं कि रन टाइम के ऊपर फॉर्म जो है वो जिस हालत में हम इसको डिज़ाइन कर देते हैं, लेट्स सपोज मैं इस हालत में इसको कर देता हूँ, तो ये इससे चेंज ना हो, यूज़र इसको मिनिमाइज़ ना कर सके, मैक्सिमाइज ना कर सके, उसका साइज़ इस तरह से रन टाइम पे चेंज ना कर सके। तो उसके लिए हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के साथ खेलते हैं, ये वही प्रॉपर्टीज़ है जिनके साथ हम लास्ट टाइम काम कर चुके हैं। सो पहले इस फॉर्म का टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं जो कि यहाँ पे शो हो रहा है। तो टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं थर्मामीटर प्रोग्राम, और यहाँ पर आकर हम इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ पहले। ओके, तो इसके बाद हम इसका साइज़ देख लेते हैं। मेरे ख्याल से जितनी हमें ज़रूरत है उसमें ये साइज़ काफ़ी है, इसको चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। ओके, तो ठीक है, हम इसके ऊपर अब लिमिटेशंस लगाते हैं कि ये मैक्सिमाइज़ भी ना हो सके, मिनिमाइज़ भी ना हो सके। तो ये मैक्सिमम बॉक्स हम कह देते हैं, मैक्सिमाइज़ ना हो सके तो फॉल्स, मिनिमाइज ना हो सके तो फॉल्स। आप देख सकते हैं यहाँ से दोनों बटन जो है उड़ सकते हैं, लेकिन अभी स्टिल यूज़र इस तरह से करके उसको जो है वो रिसाइज कर सकता है। तो यहाँ पे हम आते हैं और इस प्रॉपर्टी में जाते हैं, फॉर्म बॉर्डर स्टाइल, जिसको हम फिक्स्ड सिंगल कर देते हैं। अब यूज़र अनेबल होगा, यानी कि यूज़र अब हमारे फॉर्म के साथ जो है वो ज़्यादा छेड़खानी नहीं कर सकता, और उसको अपनी असल जो उसकी उसका साइज़ है उससे नहीं उसको छेड़ सकता। ओके, तो अब मैं चाहता हूँ कि ये फॉर्म जो है वो मुझे स्क्रीन के दरमियान में करके शो हो। तो मैं यहाँ स्टार्ट पोजीशन में आता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ सेंटर स्क्रीन, और फॉर्म हमारा जो है वो यहाँ पर आ चुका है। और अब हम इसके अंदर जो कंटेंट है वो डिज़ाइन करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको पहले डॉक्यूमेंट में लेके चलता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको कितनी चीज़ें चाहिए। ये डिज़ाइन आपके सामने मौजूद है, आपको चाहिए फ़ारेनहाइट, यानी कि दो लेवल आपको चाहिए। तो दो लेवल लगा लेते हैं पहले, यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आके सर्च करें लेबल, ये लेबल एक आ चुका है। यहाँ पे आप इसका टेक्स्ट जो है वो 4 कलर इसका टेक्स्ट कलर चेंज कर दें ताकि आपको नज़र आइए। ओके, अब आप इसको कॉपी पेस्ट कर लें, Ctrl+C Ctrl+V, दो लेबल आ चुके हैं। यहाँ पे आप इनका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। लेबल 1 का मैं टेक्स्ट रख देता हूँ फ़ारेनहाइट, और लेबल 2 का टेक्स्ट आप यहाँ पे रख लेते हैं सेल्सियस। ओके, अब इन दोनों का मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, तो दोनों की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो ये इन दोनों की कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं, तो मैं इनकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ। और यहाँ पे जब आके मैं इनका फॉन्ट चेंज करता हूँ तो आप देखेंगे कि दोनों का फॉन्ट जो है वो चेंज होगा। तो आपने देखा दोनों का फॉन्ट एक साथ चेंज हुआ। तो ये आप स्पीडली काम करने के लिए इस तरह कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको जो चाहिए वो चाहिए आपको आपको चाहिए 2 टेक्स्ट बॉक्सेस। यहाँ पर आते हैं,
टेक्स्ट बॉक्स को सर्च करते हैं, एंटर करते हैं, या यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है, यहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स लगा सकते हैं। मैं इसका साइज़ काफ़ी छोटा कर रहा हूँ क्योंकि फ़ारेनहाइट की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम जो है वो 200 से आई थिंक ऊपर नहीं जाएगी। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, इधर पेस्ट कर लेते हैं इसको, और सेल्सियस की वैल्यू भी लगा देते हैं। सेल्सियस की वैल्यू हमने देखी थी डिज़ाइन में कि वो काफ़ी पॉइंट्स में जा रही थी, तो आप इसको रीसाइज कर सकते हैं अपने मुताबिक। तो मैं इसको ज़रा इस तरह से कर लेता हूँ, यहाँ से आएँ आप इसको ताकि एक दूसरे के सेंटर में रहें। आप इसकी अलाइनमेंट यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे टूल्स मौजूद हैं। इसके बाद आपको चाहिए जी एक यह स्क्रोल बार। तो स्क्रोल बार कहाँ से मिलेगा, बहुत आसान, यहाँ पे आप जाएँ सर्च करें स्क्रोल, यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 स्क्रोल बार और 20 स्क्रोल बार। तो ये हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार है जो कि हॉरिजॉन्टली शो होगा, ये वर्टिकल स्क्रोल बार है वर्टिकली शो होगा, हमें वर्टिकली चाहिए तो 20 स्क्रोल बार। ये आप देख सकते हैं स्क्रोल बार यहाँ पे आ चुका है, इसको आप रीसाइज़ करें अपने मुताबिक जितना आपको चाहिए। तो ये आपने इसको रीसाइज़ कर लिया ओके। तो रीसाइज़ हमारा हो चुका है स्क्रोल बार, अब हम इसको जो है वो रन करके देख लेते हैं ओके। तो हमारा जो फॉर्म जो है वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और जो है वो बिल्ड हो चुका है। हमने इसके बैकएंड पर कोड अभी नहीं लिखा जो कि हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे, इसमें हमने सिर्फ आपको बताना था कि इसको डिज़ाइन किस तरह से करना है। तो अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।